माफी की जो बात है, बैठे हुए उनको भी आपको सुनना है। तो जिस थाली में खाना खाते, जिस ठेकारे के साथ अंतिम पंक्ति में विदा दीजिएगा, जिस थाली में खाना खाते छेद करे उस थाली में, जिस थाली में खाना खाते छेद करे उस थाली में पुलिस समर्पित सारा जीवन ना भारत से जड़े उखाड़ोगे तो समझ सको तो समझो। कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, समझ सको तो समझो, ये भक्तों का अर्ध विराम है। मंदिर वही बनाना होगा जहाँ राम का धाम है, तो मोदी को पीएम बनवा दो, मेरी लय में सबकी लय हो। काम अधूरा है, अभी 80% वोट मिले हैं, 100% चाहिए। दोनों हाथ पकड़ के भारत माता की, राजस्थान के जयपुर तक पहुंचानी है। मां भारती के नारे दोनों हाथ ऊपर लगा के एक साथ लगाएंगे, बोलो भारत माता की। 2012 का गुजरात के महासंग्राम में, जहां से पूरे देश में कपड़ा दिया जाता है, वैसे ये टेक्सटाइल मार्केट के प्रांगण में मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव और आप सब टेक्सटाइल मार्केट के आगेवान मित्रों, आजकल कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जाते हैं वहां एक ही बात करते हैं कि भाजपा ने तो बच्चा प्रत्याशी दिया है, उन्हें नहीं पता है मैं आप सबका बच्चा हूं। खींचने की तारीख चली गई है, नहीं तो ये विराट संख्या में आप लोग को देख के कांग्रेस के हर एक उम्मीदवार अपने फॉर्म खींच लेते। ये देश की क्या हालत हो चुकी है, ये देश में राज करती हुई कांग्रेस की सरकार मांस मटन और मच्छी के एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देती है, और आप सबको पता होगा कि ये केंद्र की सरकार ने कपास पे निकास का प्रतिबंध रखा था, और आप ये चुनाव में जिसको मतदान करने जा रहे हैं वो गुजरात के लाडले मुख्य प्रधान ने आप सबके लिए गौहंस कत्ल का प्रतिबंध किया और गुजरात में गौ हत्या का प्रतिबंध करके जीव दया प्रेमी बताया। मुख्य प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आप सब पे विश्वास रख के मुझे मजुराब विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, तभी मैं आपसे दो ही बात रखने आया हूं। मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि आजकल कांग्रेस के प्रत्याशी व्यापारी के हित की बात करते हैं, मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि क्या वो व्यापारी की हित की बात ये कर रहे हैं कि व्यापारियों को तोहफे में एफडीआई देंगे, वो एफडीआई देंगे व्यापारियों को, ये व्यापारी की हित की बात है। यहां काम करने वाले, यहां हर एक व्यापारी के पेट पे लात मारना का व्यापारी की हित की बात है, और यही व्यापारियों की हित की बात करने वाले प्रत्याशी से मैं पूछने आया हूं कि यह व्यापारी की बात है तो कोई वांदा नहीं। मैं आप सबको जगाने आया हूं, आप सबके आशीर्वाद लेने आया था, आपको नमन करने आया हूं, और एक शायरी के साथ मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मित्रों, जब आंखें खुली तो सारा भारत नाखूनों से ट्रस्ट मिला, जब आंखें खुली तो सारा भारत नाखूनों से ट्रस्ट मिला, जिन्हें जिम्मेदारी दी थी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह जी की फांसी ने? जागो टेक्सटाइल मार्केट के युवा योद्धाओं, तुम्हें जगाने आया हूं, महंगाई और भ्रष्टाचार में पिसती मां भारती की तस्वीर बताने लाया हूं। मैं आज आपको और कोई वायदे नहीं दूंगा, लेकिन 20वीं तारीख के बाद आप सबके साथ मिलके गुजरात के विकास में सहभागी होने वाले हर एक काम में मैं मेरा योगदान दूंगा। अस्तु भारत माता कीजिए।
राठौड़, किम सिंह जी भी ऊपर बना रहे हैं। और दिनेश जी राजपुरोहित को विनंती कि हमारे केसाराम जी चौधरी जो यहाँ पधार रहे हैं, अनुराग भाई और दिनेश भाई साफा पहनाकर और खेस उड़ाकर उनका स्वागत करें। मैं बाबू भाई जैन को विनंती करूंगा, आप पधारें और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री महावीर जी जैन, धीरज जी जैन, सॉरी धीरज जी जैन का साफा पहनाकर और साथ में नरपत सिंह जी के छोड़ाकर स्वागत करें। हमारे बीच में जोधपुर से पधारे श्री राजेंद्र सिंह जी गहलोत, आपके स्वागत के लिए मैं विनंती करूंगा महेंद्र सिंह राजपुरोहित वकील और भवर जी गुर्जर, भवर जी गुर्जर आप ऊपर बता रहा हूँ, फिर से स्वागत करें। हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व एमपी श्री गोपाल जी पटेलवाल उपस्थित है, मैं विनती करूंगा राकेश जी चौधरी और कैलाश जी दोनों साफा पहनाकर और खेस उड़ाकर स्वागत करें। माता के वंदे वंदे, गुजराती माँ चाल से, कारण के तमें बजा हुए गुजराती छो। 13 ડિસેમ્બર યોજાનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના અનુસંધાનમાં આજ રોજ મારા મિત્ર હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત સર્વ વડીલો અને મારે સામે ઉપસ્થિત મારા રાજસ્થાની મિત્રો વેપારીઓ મારા વડીલો, મિત્રો 13 ડિસેમ્બરે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, જે ચૂંટણીની રાહ આપણે છેલ્લા એક વર્ષથી જોઈ રહ્યા હતા। મિત્રો આપણે નહીં સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની નજર જે ચૂંટણી પર હતી એ ચૂંટણી આપણા દરવાજે આવીને ઊભી છે। મિત્રો
દરેક રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ થતી હોય છે, એમાં કોઈ નવી વાત નથી. પણ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી ઉપર સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર છે. આવું શા માટે છે મિત્રો? કારણ કે એક તરફ આખા દેશના કોંગ્રેસના નેતાઓ જેની સામે તોપ તાકીને ઉભા છે, આ દેશના સમગ્ર કોંગ્રેસના નેતાઓ છે, અને એક તરફ મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે. મિત્રો, આ સત્ય અને અસત્યની લડાઈ છે, ન્યાય અને અન્યાયની લડાઈ છે. જેવી રીતે મહાભારતના યુદ્ધમાં સત્ય અને અસત્યની લડાઈ હતી, એની સામે સમગ્ર દેશની જનતાનું ધ્યાન હતું, એ જ રીતે આ દેશ અને દુનિયાની નજર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં છે. લોકો મુખ સાક્ષી બનીને જોઈ રહ્યા છે કે આવતો સમય કોનો હશે, શું થવાનું છે. મિત્રો, એક તરફ પરિવારવાદમાં રાજતી આ કોંગ્રેસ છે, અને એક તરફ રાષ્ટ્રવાદી નરેન્દ્ર મોદી છે. 1947માં જયારે દેશ આઝાદ થયો, એ પહેલા અંગ્રેજોની ચુંગાલમાંથી આ દેશને છોડાવવા માટે કોંગ્રેસની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ હતા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. ત્યારે કોંગ્રેસના બંધારણમાં જોગવાઈ હતી કે દેશ આઝાદ થઈ જાય એટલે કોંગ્રેસને વિખેરી નાખવી. મિત્રો, 1947માં દેશ આઝાદ થઈ ગયો. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી આ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુને બનાવ્યા. આ દેશની 40 કરોડ જનતા સમક્ષ મહાત્મા ગાંધી અનેક વખત બોલ્યા હતા, દેશનો પ્રથમ વડાપ્રધાન ખેડૂતનો દીકરો બનશે. મિત્રો, 14 સભ્યોની કોંગ્રેસમાં મતદાન કરવામાં આવ્યું. 2 મત જવાહરલાલ નહેરુને મળ્યા અને 12 મત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને મળ્યા. છતાં પણ વડાપ્રધાન તરીકે જયારે જવાહરલાલ નહેરુને બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા, ત્યારે સમગ્ર દેશની જનતાએ એને સ્વીકારી લીધા. કારણ કે મહાત્મા ગાંધીએ આદેશ કર્યો હતો કે દેશના વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ બનવાના છે. આખો દેશ એને સ્વીકારી લીધા. મિત્રો, ત્યાર પછી ગાંધીજીએ કીધું, જવાહરલાલજી, આપણા દેશના લોકોને વચન આપ્યું છે કે દેશ આઝાદ થઈ જાય એટલે કોંગ્રેસને વિખેરી નાખવાની છે. કોંગ્રેસને વિખેરો અને દેશની જનતાને નક્કી કરવા દો કે તમારે દેશનું શાસન કોને સોંપવું છે. મિત્રો, જવાહરલાલ નહેરુએ નહોતું કર્યું. 1947માં મહાત્મા ગાંધીનું નિધન થયું અને 1950માં સરદાર સાહેબનું નિધન થયું. જવાહરલાલ નહેરુજીને ખબર હતી આ દેશ પર મારો પરિવાર, મારા પરિવારના લોકો આ દેશની સત્તા ભોગવવાના છે, ત્યારથી એને ખબર હતી. સરદાર સાહેબના કહેવા છતાં કોંગ્રેસને ન વિખેરી, મહાત્મા ગાંધીના કહેવા છતાં ન વિખેરી, એ પરિવાર આ દેશ પર શાસન કરી રહ્યો છે. જેણે મહાત્મા ગાંધીનું પણ નહોતું માન્યું અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું પણ નહોતું માન્યું. મિત્રો, ત્યાર પછી ઇન્દિરા ગાંધી દેશની સત્તા પર આવ્યા, એને કોંગ્રેસને વિખેરી અને કોંગ્રેસ આઈની સ્થાપના કરી, ઇન્દિરા ગાંધીની કોંગ્રેસ. અત્યારની જે કોંગ્રેસ છે ને, એ ઇન્દિરા ગાંધીની કોંગ્રેસ છે. દેશની આઝાદી અપાવનારી આ કોંગ્રેસ નથી. દેશની ભોળી જનતા એવું માને છે કે દેશની આઝાદી અપાવનારી આ કોંગ્રેસ છે. મારા દેશની જનતાને કહેવું છે, મિત્રો, આપણે ભોળા છીએ, આ દેશની પ્રજા ભોળી છે, એને એવું છે કે આ દેશની આઝાદી અપાવનારી કોંગ્રેસ છે, નહીં આ ઇન્દિરા ગાંધીની કોંગ્રેસ છે. ત્યાર પછી રાજીવ ગાંધી, ત્યાર પછી કી પર્સન સોનિયા ગાંધી, હવે રાહુલ ગાંધી મેદાનમાં આવીને ઊભા છે. શું આ દેશમાં વિચક્ષણ પ્રતિભાઓની કમી છે? મિત્રો, આ ઋષિ મુનિઓનો દેશ છે, આ વીરોનો દેશ છે. તમે બધા વીરભૂમિ રાજસ્થાનથી આવ્યા છો, તમને બધાને સત્સત નમન કરું છું, સત્સત પ્રણામ કરું છું. કારણ કે તમે મીરાબાઈના દેશમાંથી આવ્યા છો, તમે રાણા પ્રતાપના દેશમાંથી આવ્યા છો. આ દેશને વિશ્વમાં જો વીરભૂમિ કહેવાતી હોય ને વિશ્વના નકશામાં, તો એક રાજસ્થાનને જ કહેવામાં આવે છે. આપણે વીરોની ગાથા ગાનારા લોકો છીએ, આપણે કાયરને સાથ આપનારા લોકો નથી. આપણે સત્યની સાથે રહેનારા લોકો છીએ અને અસત્યને તિરસ્કારનારા લોકો છીએ. મિત્રો, આ વાત એટલા માટે કરું છું કે એક તરફ છે જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધી,
राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ परिवारवाद में राजती कांग्रेस से अने एक तरफ राष्ट्रवाद में मानती भारतीय जनता पार्टी ना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। मित्रों जारे नरेंद्र भाई मोदी प्रथम वक्त मुख्यमंत्री बन्या ने 2001 मा त्यारे नरेंद्र मोदी साहेब ना समाधि ना लोको एनी पासे गया। એમણે નરેન્દ્રભાઈને કીધું, નરેન્દ્રભાઈ તમે આપણા સમાજનું ગૌરવ છો, તમે આપણા સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે, તમે આપણા સમાજના મુગટ છો, આપણા સમાજે એવું નક્કી કર્યું છે કે આપણે નરેન્દ્રભાઈનું સન્માન કરવું જોઈએ। મિત્રો રાષ્ટ્રવાદમાં માનનારા ઋષિતુલ્ય વ્યક્તિએ ત્યારે કીધું હતું કે ભાઈઓ તમે આવ્યા છો તો બહુ સારી વાત છે, પણ મારો કોઈ સમાજ નથી, મારી કોઈ જ્ઞાતિ નથી, 6 કરોડ ગુજરાતની જનતા મારો પરિવાર છે। આ વાત એટલા માટે કરું છું, એક તરફ પરિવારવાદમાં રાજતી કોંગ્રેસ છે અને એક તરફ 6 કરોડ ગુજરાતીને પોતાનો પરિવાર ગણતા નરેન્દ્ર મોદી છે। આપણે આપણા આત્માને પૂછીને મત આપવાનો છે, આપણો મત ખૂબ કિંમતી છે। મિત્રો મતદાતા નક્કી કરતો હોય છે, મતદારની આંગળીનું ટેરવા પર રાજનીતિ નક્કી થતી હોય છે, મતદારની આંગળીનું ટેરવું નક્કી કરતો હોય છે કે રાષ્ટ્રને રાજ્યના સત્તાના સિંહાસન પર કોને બેસાડવા। રાજસ્થાનની વીરભૂમિ પરથી તમે અહીંયા આવ્યા છો, 6 કરોડ ગુજરાતની જનતામાં આપ પણ આવી જાઓ છો। મિત્રો કોંગ્રેસના મિત્રો નરેન્દ્રભાઈની વિકાસની રાજનીતિનો વિરોધ કરે છે, આ કોંગ્રેસના મિત્રો અને અન્ય પાર્ટીના મિત્રો એવું કહે છે કે નરેન્દ્રભાઈ તમારી વિકાસની રાજનીતિ ખોટી છે। આપણે આપણે આ મિત્રોને સવાલ કરવો જોઈએ કે તમે વિકાસની રાજનીતિમાં નથી માનતા તો તમે કઈ રાજનીતિ કરવા માંગો છો? તમે જાતિવાદની રાજનીતિ કરવા માંગો છો? શું તમે જ્ઞાતિવાદની રાજનીતિ કરવા માંગો છો? કે તમે 1947 થી કરતા આવ્યા છો એ કોમવાદની રાજનીતિ કરવા માંગો છો? જવાબ તો આપો, કોંગ્રેસના મિત્રો પાસે આનો કોઈ જવાબ નથી, કારણ કે એ લોકોને કંઈ આવડતું નથી। ચૂંટણી આવે એટલે 2 મહિના અગાઉ મેદાનમાં આવી જાય અને આક્ષેપબાજી ચાલુ કરે। મિત્રો આપણે ચરિત્રવાન લોકોની સાથે રહેનારા લોકો છીએ, એક બાજુ આ કોંગ્રેસનું ચરિત્ર છે, એક બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ચરિત્ર છે। આપણા ઘરમાં જવાન દીકરી હોય કે દીકરીની સગાઈ કરવાની હોય ત્યારે આપણે નક્કી કરતા હોય છે સામેનું ખાનદાન કેવું છે, સામેના ખાનદાનનું કુળ કેવું છે, સામેના ખાનદાનનું ચરિત્ર કેવું છે, દીકરાના લક્ષણો શું છે, દીકરાના અપલક્ષણો શું છે। એક દીકરી માટે આપણે આટલી તપાસ કરીને નિર્ણય લેતા હોય છે કે દીકરીને લગ્ન કરવા કે આ ઘરમાં નહીં કરવા। મિત્રો કરોડો દીકરીઓનું ભવિષ્ય જેના હાથમાં સોંપવાનું છે, કરોડો વડીલો, કરોડો માતાઓ, કરોડો ભાઈઓ, કરોડો બુજુર્ગો, 6 કરોડ ગુજરાતની જનતાનું જેનું ભવિષ્ય જેના હાથમાં સોંપવું છે એ રાજકીય પાર્ટીનું ચરિત્ર આપણે જોવું જોઈએ। એક તરફ પરિવારવાદમાં રાજકીય કોંગ્રેસનું ચરિત્ર છે અને એક તરફ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજીની જેની વિચારધારા મળી છે, ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ જેની વિચારધારા આપી છે, ડોક્ટર કેશવ પલ્લીરામ હેડગેવારે જેની વિચારધારા આપી છે, ગુરુજીએ જેને વિચારધારા આપી છે, અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ જે પાર્ટીને વિચારધારા આપી છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી આપણી પાસે છે। આપણે કોને મત આપવો? રાત્રે સુતી વખતે આપણા આત્માને પૂછવું જોઈએ કે આપણે સત્ય સાથે રહેવું છે કે અસત્ય સાથે રહેવું છે। 13 ડિસેમ્બરે ચૂંટણી છે, અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં કહેવત છે કે દશેરાના દિવસે ઘોડો ન દોડે ને એ ઘોડો કોઈ કામનો નથી। તમને ઘોડા વિશે કહેવાનું ન હોય કે રાણા પ્રતાપનો ઘોડો જે રીતે દોડતો એવી રીતે આપણે ઘોડો દોડાવવાનો છે, આપણે ચેતક ઘોડાને યાદ કરવાનો છે 13 ડિસેમ્બરે। જે વ્યક્તિ મતદાન નથી કરતો એ વ્યક્તિના રાષ્ટ્ર વિશે, રાષ્ટ્ર નિર્માણ વિશે કે રાજનેતાઓ વિશે બોલવાનો કોઈ હક અને અધિકાર નથી। મિત્રો 13 ડિસેમ્બરે 100% મતદાન કરવાનું છે। હું 162 કરજ વિધાનસભા ક્ષેત્રનો ઉમેદવાર છું, મારા વિસ્તારમાં એટલે કે ત્રિકમનગર, ઈશ્વર કૃપા, પરમહંસ, બોમ્બે માર્કેટ થી પૂર્ણા રોડ નો વિસ્તાર, બોમ્બે હનુમાન રોડ થી કારાપોદરા સુધીનો વિસ્તાર મારો આવે છે। મારા વિસ્તારમાં મારા રાજસ્થાની ભાઈઓ હજારોની સંખ્યામાં છે। આ મિત્રોને અપીલ કરું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા ઉમેદવાર તરીકે મારી પર વિશ્વાસ મૂકજો,
राजस्थान समाज ना तमाम ज्ञाति साथे तमाम समाज साथे हूँ वर्षों थी संकळायेलो छूं। पछी राजस्थान युवा संघ होय के माहेश्वरी समाज होय के अग्रवाल समाज होय के राजपूत समाज होय सिरवी समाज होय क्षत्रिय समाज होय गाची समाज होय तमाम समाज साथे संकळायेलो छूं। मित्रों तमने अपील करवा आव्यो छूं के पार्टी ना युवा उम्मीदवार तरीके मारी पर विश्वास मूक्यो छे अने तमारा विश्वास नो कदी खंडन नहीं थवा दऊं। 100% मतदान करी अने एवी लीडथी जीताड़ो 100% मतदान करी मने जंगी लीडथी जीताड़ो एवी अपेक्षा साथे विरमुचो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा जी संघर्ष करो, वसुंधरा जी संघर्ष करो, हमारे बीच में राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा जी पधारे हैं। सूरत शहर में समस्त राजस्थानी समाज, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री वसुंधरा जी का स्वर्ग स्वागत कर रही है। वसुंधरा जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसुंधरा जी 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो। भारत माता की, माता की, वंदे 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 वंदे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा दोनों हाथ उठाकर करतल धोनी से राजस्थान के मंत्री वसुंधरा जी का स्वागत करें। दोनों हाथों से तालियां बजाकर हाथ उठाकर उनका स्वागत करें। बोलो भारत माता की, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो। राजस्थानी समाज एवं सब कपड़ा व्यापारी आपका स्वागत करते हैं। मैं विनती करूंगा महानगर अध्यक्ष पूर्णेश भाई एवं श्री वसुंधरा जी को कि आप दीप प्रज्वलित कर हमारी यह सभा का शुभारंभ कराइए। हमारे महानगर अध्यक्ष एवं सभी हजारों की संख्या में उपस्थित यहाँ सभी व्यापारी भाइयों का खूब खूब फर्श दिल से स्वागत। कार्यकर्ताओं को विनंती करूंगा स्वागत की तैयारी करवानी है। ऐसे वसुंधरा जी का माला पहनाकर चुंदड़ी ओढ़ाकर हमारे महानगर अध्यक्ष श्री पूर्णेश भाई चुंदड़ी ओढ़ाकर प्लीज जरा चुंदड़ी ओढ़ाकर प्लीज पहले चुंदड़ी Yeah!
चुका। मैं विनती करूंगा सभी व्यापारियों को कि आप पधारे और आदरणीय श्री राज के साहब जी का भी उस वक्त माला पहनाकर स्वागत करवाएं। श्री राज के साहब जी का भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हमारा नेता कैसा हो, कमल जी ने सभा को विनती करूंगा उनको शांति बना रखे, हम चेकअप खाली कर रहे हैं। राजपूत समाज के अध्यक्ष अजब सिंह जी ने भी स्वागत किया है। मैं विनती करूंगा महानगर अध्यक्ष श्री पूर्णेश भाई मोदी को हमारे बीच में, किरण जी महेश्वरी राष्ट्रीय महामंत्री विराजे हैं उनका स्वागत, किरण जी महेश्वरी जी का चुंदड़ी एवं माल्या से भारत माता की। सूरत शहर के लोक लाडिले युवा नेता श्री रोहित जी शर्मा, जिनसे आप सभी चिर परिचित हैं, अभी तक सभा का संचालन आप कर रहे थे, जो हम सभी के दिलों पर राज करते हैं, राजस्थान और गुजरात का पूरा समाज जिन्हें प्यार करता है, विद्यार्थी काल से जो राजनीतिक क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, बजरंग दल के अध्यक्ष रहे हैं, जुड़ो चैंपियन बन के गुजरात के चैंपियन बने, सूरत में जन्म लेके सूरती बने और जिनका मूल राजस्थान में है, राजस्थान और गुजरात दोनों को जो प्यार करते हैं, जहां का पूरा समाज उनको प्यार करता है, इसकी शेरनी बहन श्री वसुंधरा जी राजे को सिरोही की तलवार भेंट करके उनका सम्मान करें, और हम ये तलवार आपको आपकी विजय तलवार के रूप में दे रहे हैं। बहन वसुंधरा जी हमारी आगामी मुख्यमंत्री है, इसका हम आज यहीं पे उद्घोष करते हैं। जय गुजरात, जय राजस्थान, जय गुजरात, जय राजस्थान। बंधुओं शांति से बैठ जाइए, अब जिनका आप इंतजार कर रहे थे उनका उद्बोधन होने वाला है, कृपया शांति से बैठ जाइए। मैं शहर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सूरत शहर के अध्यक्ष, मैं विनती करूंगा बाबूलाल जी जैन, ताराचंद जी और किशोर जी प्रमुख कार्यकर्ताओं की राज के साहब जी को भी तलवार अर्पण कर स्वागत करें। माता की, मैं विनती करूंगा कमल जी नैन सुखाको की शहर महानगर अध्यक्ष गणेश भाई का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत करें, साफा पहनाकर, साफा आदरणीय अध्यक्ष श्री गणेश भाई मोदी का। लाडले सांसद देवजी भाई भी पधारे हैं, मैं विनती करूंगा दीपाराम जी चौधरी और साफा पहनाकर उनका और खेस पहनाकर स्वागत करें। साफा देवजी भाई पटेल का स्वागत, साफा एवं खेस अर्पण कर कमल जी नैन सुखा और अब हमारे बीच में
कृपया मेरे सब व्यापारी भाइयों को विनंती है, आप शांति बनाए रखें। हमारे बीच में हमारी लोक लाडली नेता राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री पधारे हैं। मैं महानगर अध्यक्ष आदरणीय पूर्णेश भाई मोदी को विनंती करूंगा कि आप इस शुभ अवसर पर जो हमारे लाखों की संख्या में यहाँ व्यापारी उपस्थित है उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री पूर्णेश भाई मोदी। हेलो, भारत माता की, कृपया शांति बनाए रखिए। इस मंच पे उपस्थित राजस्थान की पूर्व चीफ मिनिस्टर और आने वाले दिन में भावी चीफ मिनिस्टर आदरणीय वसुंधरा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय किरण महेश्वरी जी, हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री श्याम जी जाजू, हमारे बीच उपस्थित मुंबई महानगर के अध्यक्ष राजपुरोहित जी और आदरणीय सभी मंचस्थ महानुभाव, मैं इस मंच से सूरत महानगर में पधारे हुए वसुंधरा राज को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। मैं सिर्फ दो मिनट मेरी बात समाप्त करूंगा, मुझे लगता है कि सीधा वसुंधरा जी आपको मार्गदर्शन करेगी। मेरी बात यह है कि आजकल कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर गुजरात को सिर्फ अन्याय करती है, मैं सिर्फ बात रखना चाहूंगा कि अगर 2005 से लेकर 2020 तक पूरा विश्व के अंदर 100 जितने महानगर का सर्वे हुआ है, वहाँ फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी सूरत का नंबर 14 क्रम पे है। फिर भी केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस हमको एयर कनेक्टिविटी के लिए और हमारे वर्ल्ड क्लास रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए हमको अन्याय कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारा ये व्यापारी लोग हैं जो पूरा देश में व्यापार करने के लिए निकलते हैं, हमारा व्यापारी सुबह यहाँ से निकले शाम को वापस घर पे आ जाए, ऐसी हमको एयर कनेक्टिविटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर दो जो एरिया है वो हमारा सूरत एयरपोर्ट का है और दूसरी ओर पूरे देश के अंदर कोई भी महानगर ले लो तो महानगर के अंदर इतनी एयर कनेक्टिविटी है जैसे कि सूरत में नहीं है। रिंडो ले लो, बॉम्बे ले लो, कोई भी शहर ले लो, तो जो एयर कनेक्टिविटी है व्यापारी के लिए वो नहीं है। आने वाले दिन में आपके लिए ये केंद्र की कांग्रेस सरकार जो अन्याय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे भी आंदोलन कर चुकी है और आने वाले दिन में 2012 के बाद 2014 में भी हम जब केंद्र के अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले ये एयर कनेक्टिविटी सूरत को देंगे। इस मौके में फिर से मैं वसुंधरा राज जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय किरण जी महेश्वरी का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मैदान आपके लिए बहुत सुखनी है। बीस तारीख को वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई आगे बढ़ो, कमल भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। अरे भाई थे पकड़े लाइया के बोलता ही नहीं बस में बेटा, जो जीतेगा भाई जीतेगा, भाई हाथ उठा कर जीतेगा भाई जीतेगा। और फोटोग्राफर पीछे देखो जरा हाथ खड़े हो रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा। दोस्तों मैं दो मिनट भी नहीं लूंगा, मैं
सूरत कांग्रेस का धिक्कार करता हूँ कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आए थे। अरे ढके तो बोलवा दिया नहीं यार। अरे वे गहलावेन का अरे ढका मौका के लिए खबर। अरे हम मैं चाहता था कि उनका यहाँ सम्मान होगा। और किरण जी उनकी मीटिंग कहाँ हुई मालूम है? एक मार्केट के दरवाजे पर। जोरदार दोस्तों, हमारे अशोक गहलोत जो कांग्रेस ने बेइज्जती की उसका बदला लेना है और लाखों वोटों से नरेंद्र भाई को जिताना है। अशोक गहलोत जी को मालूम था कि सूरत में उनको कोई चाहता नहीं और पूरा हिंदुस्तान के प्रवासी अगर किसी को चाहते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया को चाहते हैं। और अभी मेरे जी कह रहे थे अधिक सीटों से जीताना नरेंद्र भाई को। मेरे जी आने वाले चुनावों में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। कांग्रेस साफ होने वाली है गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान में सोनिया गांधी का साफ होने वाली है। और अंत में मैं मुंबई का अध्यक्ष हूं, हिसाब किताब कुछ ज्यादा ही रखता हूं और दो नंबर का हिसाब मुंबई में हम ज्यादा ही रखते हैं। सोनिया जी बोले करोड़ों रुपया भेजा मैंने। अरे सी आर पाटिल साहब आए, जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारे लोकप्रिय एमपी का। और मित्रों पीछे तक जहां आंखें पहुंचती है वहां तक अगर इसका श्रेय किसी को देना है तो हमारे सूरत के कार्यकर्ता रोहित शर्मा और उनके साथियों का जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं समय की मर्यादा को कहते हुए एक ही बात कहता हूं कि नरेंद्र भाई की जीत हमारे राजस्थान के करोड़ों प्रवासियों की जीत है और हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और नरेंद्र भाई को विश्वास दिलाते हैं कि एक एक प्रवासी का वोट कमल पे पड़ेगा और नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर गुजरात के बाद अशोक जी गहलोत की बारी है। आप सब लोग राजस्थान में कोरिया मिलिए। मैं अभी आप सब की ओर से लोकप्रिय नेता करोड़ों राजस्थानियों के हृदय सम्राट वसुंधरा जी से विनती करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करें और आगे आने वाला भविष्य राजस्थान का उज्जवल हो, उसके लिए हमें बताए आदरणीय वसुंधरा जी उनका स्वागत करें। हमारे बीच में कोटा के विधायक भवानी सिंह जी राजावत भी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पूरा राम जी चौधरी भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद नीरज जी। अब श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, भारत माता की, इतनी जोरदार तालियों से स्वागत करो कि राजस्थान के 6.5 करोड़ लोगों को सुनाई दे। और पीछे और पीछे वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो। एक पहले मैं आप लोग सबसे निवेदन करूंगी कि इधर से सलाह आप लोग सब अगर बैठ जाओगे तो मैं इधर देख पाऊंगी।
बैठ जाओ। मैं ये तो देखूं कि अपना कितना जोरदार ताकतवर परिवार है। एक एक व्यक्ति को देखने से ऊर्जा होती है। यहां इस मंच पर उपस्थित सबसे पहले अध्यक्ष जी, नाम मुझे बहुत पसंद है, मोदी जी, और हमारे एमपी साहब पाटिल साहब, और मंच पर उपस्थित जनक भाई जी और हर्ष भाई जी, और जो दो लिंबायत वाले श्रीमती संगीता बहन और राजा भाई जी, इनका नाम मैं वैसे ले रही हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि उनकी उपस्थिति मैं मान चुकी हाँ, और दूसरों के लिए भी मैं अपनी आवाज बुलंद करने वाली हूँ। ये खाली चांद के लिए नहीं है, 12 के 12 जब आप लाओगे जिता के तब तो मजा आएगा, नहीं तो क्या है। 150 सबसे पहले मैं राजपुरोहित जी, आपकी यहाँ की टीम, उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पीछे पड़ के ये कहा कि आपको सूरत आना पड़ेगा। मैं समझ में नहीं आता आपको क्या कहने आई हूं। इतना जरूर आपके जलसे के इस बहती गंगा में अपना भी हाथ धोने आई हूं। ऐसा जलसा मोदी जी का मैंने तो नहीं देखा। क्या मजा आ रहा है, कल अहमदाबाद में घूमते घामते ऐसा मजा आया। और मैंने जब यहाँ सूरत में फोन करके कहा कि अहमदाबाद का क्या मजा, तो मेरे को बोले अरे सूरत को जरा देखो तो सही, सूरत का मजा एक अलग से ही मजा है। और वाकई में आपने तो गजब ही कर दिया। मैं तो खाली यहाँ से वहां तक नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ से वहां तक देख रही हूँ, यहाँ से वहां तक देख रही। आजू बाजू जिधर भी देखो ऐसे लोग खचाखच आए हुए हैं, और आप सबको देख के मुझे ऐसी खुशी हो रही है कि इस जलसे के अंदर मैं भी शरीक हो सकी, मैं भी मोदी जी के लिए कुछ कह सकी, अपने भाई के हिसाब से मैं बहन के नाते उनके लिए कुछ कह सकी, इससे भी मुझे बेहद खुशी। गुजरात का नाम आज पूरे दुनिया में है। मैं कभी विलायत जाती हूँ या कभी अमेरिका जाती हूँ या कभी बंबई जाती हूँ कि हिंदुस्तान के किसी में भी कोने में भी जाती हूँ तो गुजरात का नाम सुनने को मिलता है। और गुजरात का व्यवसायी जो है वो बड़ा होनहार माना जाता है। जिधर भी दुनिया में जाते हैं वो कहते हैं कि हाँ गुजरात के होनहार व्यापारी व्यवसायी, नाम है आप गुजरात का, परंतु उसके साथ साथ राजस्थान के व्यापारी, राजस्थान के व्यवसायी कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है। और मुझे गर्व होता है जब मैं देखती हूँ और सुनती हूँ उन लोगों का, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये है मेरा परिवार और इस परिवार की मैं जुड़ी हुई हूँ, कितना मजा आ रहा है। ये मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, परंतु इतना मैं विश्वास करती हूँ कि जो ऊंचाइयां नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात को पिछले 10-11 साल के अंदर उनको पहुंचाया है, वो मैं समझती हूं कि किसी भी स्टेट के अंदर ये ऊंचाई हम लोगों ने छुआ नहीं। राजस्थान और गुजरात, इनका बॉर्डर एक ही है, और बॉर्डर तो क्या, व्यवसाय भी हमारा उधर इनका इधर, हम लोग मिलते हैं, हमारे दिल भी एक है, हम अपने आप को एक भाई भाई कहलाते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आज ये गुजरात के महायज्ञ के अंदर हमारे राजस्थान के लोगों का भी बहुत जोरदार आहुति होने वाली है। ये आने वाला समय हम लोग सबको दिखाएगा। अभी अभी मैं राजस्थान से आ रही हूं, कल हम लोग एयरपोर्ट में थे तो मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन रही थी, और मैं वाकई में आश्चर्यचकित हो गई जब मैंने उनका भाषण सुना।
वो सुना रहे थे कि अगर गुजरात की जनता भी देश जैसे कांग्रेस का अगर साथ दे देती है तो कितना उसका कल्याण हो सकता है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए कि कड़ी से कड़ी अपन जोड़ दें तो क्या मजा आएगा, और देखो क्या होगा। यहां मैं सिर्फ राजस्थान से आ रही हूं जहां कड़ी से कड़ी जुड़ी, और मैं आपको कहना चाहती हूं कि वो कड़ी से कड़ी नहीं, वो हद कड़ी बन के रह गई। जो राजस्थान के अंदर हो रहा है मुझे आप लोगों को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग राजस्थान जाया करते हैं। यहाँ के लोग जो राजस्थानी हैं वो अपने गांव से संपर्क साधे हुए हैं, इसलिए उनको मालूम है कि जब गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है और राजस्थान की, जब वो देखते हैं कि गुजरात के अंदर 3% से लेके 12% तक सिंचाई की योजनाओं के अंदर वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि इतने पानी की वृद्धि हुई है, तो वो जानते हैं कि राजस्थान का किसान कितना दुखी है और राजस्थान की कितनी भूमि बंजर आज भी पड़ी हुई है। जानते ना सब, क्या आपने देखा अपने आंखों से है, सड़कों के ऊपर सफर करते हैं तो क्या हालत होती है। और यहाँ गुजरात की सड़क जब देखते हैं, मध्य प्रदेश की सड़क जब देखते हैं, तो क्या सोचता है आदमी कि ये क्या राजस्थान में नहीं हो सकता है। शांति और सद्भाव, गुजरात के अंदर कुछ भी कहो, शांति और सद्भाव फैला हुआ है। काम व्यवसायी अच्छी तरह से आराम से काम इसलिए कर सकता है क्योंकि यहाँ शांति और सद्भाव है। यहाँ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का साथ देते हैं, हम सिखों का साथ देते हैं, हम ईसाइयों का साथ देते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो विकास की बात क्यों नहीं करते, क्यों लोगों के बीच के अंदर दीवार खड़ी कर करके उन लोगों को बांटने की बात करते हैं। और अगर बांटने की बात करते हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गुजरात के अंदर दंगे नहीं परंतु असम, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, 6 महीने पहले आपको मालूम है कि कैसे जोरदार दंगे वहां हुए थे कि नहीं। राजस्थान की तरफ जरा देख लो, अरे मस्जिद को भून दिया गोलियों से, मुसलमान अफसर को जिंदा जला दिया। मैं समझती हूँ कि ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर हुआ है क्या, कहीं सुना है आपने? और गुजरात के अंदर आप ये बताइए पिछले सालों के अंदर कितने शांति के साथ काम चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। मैं बेरोजगारों की बात पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ जनता को नौकरी देना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ किसी को नौकरी मिली है क्या? अरे दिल्ली की नौकरी मिली होगी कहीं किसी को, ऐसा कैसे करते हो आप लोग? सही बताओ, कोई तो एक होगा, डरो मत, कोई अगर है तो अपना हाथ ऊपर कर दो, हम कुछ करेंगे नहीं। दिल्ली की एक नौकरी नहीं मिली है, खाली बोलते हैं, बोलने में कभी कमी नहीं छोड़ी, परंतु यहाँ गुजरात के अंदर लाखों की तादाद में लोगों को नौकरियां मिली हैं। और नौकरी नहीं मिली, उन्होंने लोगों को माने हाथ मजबूत किए हैं। अभी मैं वहां गई थी एक मोहल्ले के अंदर, तो बता रहे थे मेरे को कि पतंग का धंधा 50 लाख का जो हुआ करता था वो 50 करोड़ का, और आज 500 करोड़ का धंधा पतंग का हो चुका है। तो छोटा सा धंधा है, कितने लोग उसके अंदर, कितने सारे लोग उसके अंदर अपने परिवार को पाल रहे हैं सोचो। और ऐसे कई धंधे हैं जो गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने करवाए हैं जिसका फायदा अपनी जनता को मिल रहा है। स्वागत ऑनलाइन के बारे में मैंने सुना, मुख्यमंत्री जी से कोई बात करना चाहता है या मुख्यमंत्री जी तक कोई पहुंचना चाहता है तो स्वागत ऑनलाइन पे आ जाता है और मुख्यमंत्री जी उसकी मुसीबत को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं कोई भूल के कहीं जाके फोन भी लगा देता है तो पहले उसकी इंक्वायरी होती है कि कौन है ये, और इंक्वायरी होने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो हमारी स्थिति है राजस्थान के अंदर। यहाँ तो लोग सुनने के लिए बैठे हैं, वहां राजस्थान में कोई जू नहीं रेंगती किसी के कान पे, कोई नहीं जानना चाहता कि गरीब की हालत क्या है, किसी दुखिया की हालत क्या है, कोई उसको मदद करने को तैयार नहीं।
आप मेरे को ये बताइए, मैं अभी देख रही थी, मैंने सरपंचों से बात किया, ये आपके गुजरात के अंदर सरपंचों का सम्मेलन होता है ताकि गांव की समस्या को हम अच्छी तरह से सुलझा सके। इतने जोरदार तरीके से गांव की बातों को सुनने का काम उन सरपंचों के सम्मेलन में होता है। हमारे सरपंचों से हमने पूछा तो बोले कि हमें पूरा सरपंच संघ इकट्ठा होके मुख्यमंत्री जी से मिलने चला, तो उनको जोरदार लाठी और पानी के होश से वह मार के और अंदर जेलों के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन वहीं जेल में रहे। तो अभी बेचारा कोई सरपंच हमारे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाता है। नहीं सुधार ले अपने घर गांव के अंदर अगर कुछ कर सकता है तो वही करेगा, परंतु आगे नहीं बढ़ सकता। आपका ये गरीब कल्याण मेला, विवेकानंद युवा परिषद, कृषि मेला, ज्योति ग्राम योजना, आपका ये वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट तालुक, वाइब्रेंट आपका गांव, वहां तक तो नरेंद्र भाई मोदी और ये सरकार पहुंची हुई है। राजस्थान की क्या बदतर हालत है वो आपको देखने को मिल रही। अरे प्रधानमंत्री जी, जब मेरे को ये कहा, जब सुना मैंने कि हमने हजारों की तादाद में लोगों को, गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए, यहाँ आप लोग सब बैठे हो, 45,000 में क्या बनता है, क्या बनता है 45,000 में बन सकता है? यहाँ नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि हम उसमें जरा ज्यादा पैसा लगा देंगे, तो 45,000 में कुछ नहीं बनता, ज्यादा पैसा लगा लेंगे ताकि बेचारे गरीब को कुछ तो अपने सर ढकने के लिए मिल जाए। ये है परिस्थिति। और मैं तो इन बातों के ऊपर तो ये याद सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जहां सुशासन है वहां जनता जाती है, जहां कुशासन है उससे हमको दूर जाने की जरूरत है। जहां आदमी को प्रेम से, गले से सरकार जोड़ती है, ऐसे सरकार का साथ हम लोगों को देना है। और विकास, विकास के अंदर किसी का रंग, किसी का खून, किसी का मजहब, किसी की जात, किसी का काम आड़े नहीं आता। उस विकास के अंदर ये पूरा परिवार एक है, और प्यार से जब आगे चलेगा, मजबूती के साथ आगे चलेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता है और विकास होके ही रहेगा। इसलिए आने वाले समय के अंदर तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखोगे, क्योंकि राजस्थान का और गुजरात का रथ एक साथ चला था। 5 साल पहले की बात कर रही हूं मैं, राजस्थान का रथ रुक गया और गुजरात का रथ चलता रहा, क्योंकि सारथी नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति थे। और आज उन्होंने गुजरात का एक काया पलट करके जो रख दिया है वो आप सबके सामने है। अब चलिए आप दिल्ली में थोड़ा सा ये महंगाई वाली बात, कितनी महंगाई है, और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी सबके सामने बैठ के कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पैसा भेजा जा रहा है वो हमारा पैसा है। अरे हमारा पैसा नहीं है, ये हमारे प्रदेशों का पैसा है, एक एक व्यक्ति का पैसा है, आपके जेब का टैक्स है जो जाता है दिल्ली के अंदर, और वो हमारा हक है कि वो हमारे पास आए और हमारे प्रदेशों के अंदर, हमारे क्षेत्रों के अंदर वो इस्तेमाल हो। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि गैस के सिलेंडर का क्या करके रख दिया है, पेट्रोल और डीजल का क्या करके रख दिया है। हमारी माताएं बहनें संख्या में रो रही हैं, वो कहती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ठेले पे गैस आया करता था, याद है, ठेले पे आता था, और आज ढूंढे नहीं मिलता है। 900-900 रुपए, 1,000 रुपए तक का गैस मिलता है, और ये पूछा बेचारे लोग गरीब अपना कैसे घर चलाएंगे, ये कोई बता सकेगा मेरे को? ये तो गैस की बात है। और फिर तो आप आ जाओ विकास की राजनीति के साथ साथ, तो मैं ये कहती हूं कि जनता अपने नेता के साथ जुड़ना चाहती है। पिछले बार जब मैं चुनाव में आई थी तो मैंने देखा कि ऐसे लोग बैठे हुए थे, तो अपने सामने नरेंद्र भाई, हजारों नरेंद्र भाई, वो मुखौटा पहने थे, मंडी क्या थे, आप लोगों ने वो लगा रखे थे, मैं को जनता नहीं दिख रही थी, कहीं नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, सब दूर। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने दिल के अंदर समाए हैं कि ये अब फर्क दिखता नहीं है कि जनता है नरेंद्र भाई या नरेंद्र भाई है जनता, कि इतना प्रेम है एक दूसरे के बीच में, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो सकता है। नरेंद्र भाई ने कोशिश की है और आपने भी कोशिश की है कि आप और उनमें कोई फर्क नहीं। हमारी सरकार थी तो मुझे याद है कि अडवाणी जी, मिसेज अडवाणी ने मेरे से कहा कि सरकार हमारी है, रात को मेरे को लोग फोन करके कहते हैं कि आज बिजली नहीं है,
कोई बड़ा आदमी कांग्रेस के टाइम में फोन उठाएगा जनता का? कोई बात करेगा कि तुम बिजली की बात कर रहे हो? वहां टेलीफोन करके कह देंगे पुलिस वालों से पकड़वा लो, कौन मेरे को फोन करके रात को डिस्टर्ब करके कह रहा है कि हमारे बिजली नहीं है। मिसेस अडवाणी ने टेलीफोन लिया और वहां बिजली वालों को फोन किया और उन बिजली वालों को फोन करके उस कॉलोनी के अंदर बिजली का इंतजाम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, ये फर्क है। और मैं इसलिए आज आप लोगों को कहना चाहती हूं कि इस स्थिति के अंदर हम लोगों को अब अपनी आहुति देनी है। इतनी सारी संख्या में जब आप लोग यहां बैठे हुए हो, मैं जानती हूं कि राजस्थान के लोग जो हैं वो अपने वचन के ऊपर बिल्कुल ही अमल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, भूखे मर जाए परंतु अपने ईमान के ऊपर खड़े रहेंगे, और मुझे उस पे गौरव है। इसलिए मैं जानती हूं कि आने वाले समय के अंदर जब यहाँ की जनता और राजस्थान के लोगों ने तय कर लिया कि नरेंद्र भाई मोदी को हमें जिताना है, तो नरेंद्र भाई मोदी को जिता के ही रहेंगे। कोई भी रास्ते के अंदर बीच में नहीं आ सकता। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आ गए, सोनिया जी आ गई, राहुल जी कहाँ है? राहुल जी आप लोगों से बड़े डरते हैं। मैंने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में दौड़ के गए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो देख लिया, बिहार के चुनाव में दौड़ के गए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो देख के गए। मुझे लगता है कि गुजरात में कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ जाएंगे तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को गुजरात की तरफ तो देखना ही नहीं है, अभी तक खाली वही दो आए हैं। और मुझे एक्चुअली बड़ा दुख हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में ये कहा कि मैं अब सब जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करें। बेचारा प्रधानमंत्री कितना विवश, कितना दुख होता है। कोई अटल जी के लिए कह देता, अटल जी कहते किसी के लिए, हम लोग कहते थे कि अटल जी के हाथ को मजबूत करो, पार्टी के लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करो, यहाँ विवश प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि सोनिया जी के हाथ को मजबूत करो। आज ये स्थिति है, महंगाई से अब चलो जरा भ्रष्टाचार की ओर। दुनिया के अमेरिका का सबसे बड़ा जो पत्र है वॉशिंगटन पोस्ट है नाम उसका, उसने जब लिखाई, हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार का नेता आज कांग्रेस सरकार का मनमोहन सिंह है, तो हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। नाम आपने सबने सुना है, अरे 2G किसने नहीं सुना, कॉमनवेल्थ का किसने नहीं सुना, LIC हाउसिंग का किसने नहीं सुना, आदर्श हाउसिंग का किसने नहीं सुना, आपका ये इंदिरा गांधी का एयरपोर्ट का किसने नहीं सुना। अरे आ रही हो वहां हवा और पाताल, वहां कोयले को भी नहीं छोड़ा है, कोयले को भी जिस तरीके से उसका बेचैन किया है। मैं ये कहती हूं कि हजारों करोड़ रुपया, क्या लाखों हजारों या हजारों लाखों करोड़ रुपया, मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं वो जो शून्य है उनको नहीं समझ सकती। आप लोग सब व्यापारी लोग सब जानते हो कि उसको कैसे शून्य लगाना है, तो आप ही समझ लो कि इतने लाखों करोड़ रुपया अगर देश में रहते और वो लाखों करोड़ रुपया गरीब जनता के ऊपर लग जाते तो क्या काया पलट इस देश का हो जाता। आज नरेंद्र भाई मोदी ने थोड़े से पैसे से गुजरात का काया पलट किया, हम लोगों ने गड्ढे भर भर के पांच साल के अंदर, इन्होंने तो 10 साल की बात कही थी कि मैं तो अभी तक तो खाली 10 साल गड्ढे भरता हुआ आ रहा हूं कांग्रेस का, अब मैं इमारत बनाना शुरू करूंगा। 5 साल में हमने गड्ढे भरे कांग्रेस के, और शर्म आती है कि 7 साल आप देख लीजिए कि क्या हालत करके छोड़ती इस देश की। एक ही राज रहा वही कांग्रेस वालों का, छोड़ दो कुछ सालों को, और इस देश का भट्टा बिठा के छोड़ दिया हम लोगों का। सबको कितना दुख होता है मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। मैं समझती हूं कि ये लाखों करोड़ रुपए अपने देश में होते तो हमारे गरीब आज गरीब ही नहीं होते,
ये स्थिति होती पूंजीपति की बात करें, अरे मैं कहती हूं कि आप इंडस्ट्री को चलाओ अच्छी तरह से चलाओ तो वहां जो पैसा हम लोग बनाते हैं वो पैसा से ही प्रदेश और मजबूत होता है, वो पैसा गरीबों की तरफ जाता है। और राजस्थान के लोगों के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि राजस्थान वासी अगर कमाएगा 10 पैसे तो 3 या 4 पैसे वापस अपने गांव में लगा के ही छोड़ेगा, और वो मैंने बार बार अपने आंखों से देखा हुआ है। इसलिए आज आप लोगों के बीच में बस आपका प्यार बटोरनी है, क्योंकि 2003 में मुझे याद है मैं आप लोगों के बीच में आई थी, उस समय आपका दर्शन, आपके दर्शन किए, आपका प्यार बटोरा और भारी बहुमत से अपन लोगों ने जीत पाई। अब मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि भाई इसके बाद तो आप लोगों को अब राजस्थान की तरफ कूच करना है। इसके पहले नरेंद्र भाई मोदी की इज्जत और हमारी इज्जत और भारतीय जनता पार्टी की इज्जत उस कमल के फूल के साथ आप उस पेटी में बंद करेंगे, ये विश्वास करके मैं यहां से जाती हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग इसको छोड़ने नहीं वाले, इससे पहले तो मैं आपका हाथ देखूंगी, हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ कि हमारे 12 लोगों को जिताने का काम हमारे राजस्थान के लोगों ने रखा है कि नहीं। मैं भरोसा करके जा रही हूं, और इसीलिए मैं सोनिया गांधी के कुछ वचनों के ऊपर एक छोटी सी शेर आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को दगाखोर कहा था। कौन कहता है मोदी दगाखोर है? कौन कहता है मोदी दगाखोर है? सोनिया के खुद के मन में चोर है। कहने वाले कहते रहे कुछ भी, नरेंद्र मोदी तो विकास का एक दौर है, नरेंद्र मोदी एक विकास का दौर है, इसको कोई भूलेगा नहीं, और सोनिया गांधी तक ये बात हम पहुंचाएंगे।